الحمد لله الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادة فيضه المبسوط الدرر والمرر وبه الهداية ومنه البداية وإليه النهاية وعن غاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالك وشافعي أحمد الكرام فيقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأشرف محيط لكل فضل مزيد ووجيد ووسيد البحر الزخار والدر المختار ورد المحتار على منح الغفار وزاد الفقير وملتقى البحر ومجمع الأنهار وكنز الدقائق وتبيين الحقائق ومنه يستمد كل نهر فائق قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و شفاء صدورنا و قرة عیوننا محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کو بروز قیامت صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے مولا عثمان غنی کے ملجا حیدر کرار کے مأوا حسنین کریمین کے نانا اور سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جان کی شفاعت نصیب فرمائے آمین اور ہمارے آج کے اس انتظام اور اس اہتمام کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے آمین ہم نے سنا ہے کہ بڑوں کا کام چھوٹوں کو سمجھانا ہے اس طرف جو بچے بیٹھے ہیں ان کے قریب جو بھی بیٹھا ہے وہ ان کو گفتگو کرنے سے باز رکھیں احباب ذی وقار آپ لوگ مختلف جلسے اٹینڈ کرتے ہیں کچھ پولیٹیکل جلسے ہوتے ہیں کچھ نان پولیٹیکل ہوتے ہیں کچھ ریلیجیس کچھ نان ریلیجیس
यानी सियासी गैर सियासी मजहबी गैर मजहबी हर किस्म के जलसे होते हैं, तो आज का ये जलसा ये एक मजहबी रूहानी जलसा है। और मैं समझता हूँ कि जितने पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल तमाम जलसों से अफजल जलसा ये वाला जलसा है। पॉलिटिकल जलसे के अंदर आप किसी लीडर को बुलाते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं या किसी सदर को बुलाते हैं, किसी और ओहदेदार को बुलाते हैं, जितना बड़ा ओहदे वाला होगा उतना बड़ा जलसा होगा। आज जिस शख्सियत का तज़किरा है वो नबियों के भी इमाम है, उनसे बढ़कर अल्लाह ने कोई शय बनाई ही नहीं है। इसलिए ये जलसा हुजूर से निस्बत का जलसा है, ये जलसा सब जलसों से आला है। एक बात ये ज़हन में रख लीजिए, हमारे बारे में ये मशहूर है कि सुन्नियों का अकीदा है जी हमारी हर महफिल में नबी पाक आते हैं, ये हमारा अकीदा नहीं है। हाँ, हमारा ये अकीदा है कि नबी पाक हमारी महफिल देख रहे हैं। अगर आपकी मर्जी हो पसंद फरमाएं तो जिसको चाहे अपना दीदार करवा सकते हैं। हमारी आंखें इस काबिल ही नहीं है कि हम हुजूर को देख सके, ये उनका कर्म है, जिसको चाहे नवाज दे। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ हुजूर बैठे हैं, हमने कोई कुर्सी रखी हुई है हुजूर के बैठने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उलमा इस जलसे के जायज होने पर कसीर दलायल कायम करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर बात शमा की चल रही हो तो क्या परवाने ने कभी दलील मांगी है? बात शमा की चल रही हो तो क्या परवाना कोई दलील मांगता है? नहीं। बात अगर फूलों की चल रही हो तो क्या बुलबुल ने कभी दलील मांगी? बात जब इश्क़े रसूल की होनी है, जब हमने करना जिक्र मुस्तफ़ा है, तो इस पर हमें क्या जरूरत दलीलें मांगने की, दलीलें देने की? हम जिक्र मुस्तफ़ा को बगैर दलील के मांगते हैं, बगैर दलील के करते हैं। हमें किसी आयत के पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई हदीसे लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब मुसलमान बैठे कि एक आशिक़े रसूल के लिए जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं होती। वरना जलसे बहुत सारे होते हैं, कोई खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कोई शान फलाम मसलक कॉन्फ्रेंस, फलाम मसलक, हर मसलक के जलसे होते हैं। हम नहीं कहते कि किसी मसलक के जलसे हराम है, हम किसी के जलसे को हराम नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जो जलसे तुम करते हो, अगर तुम उन जलसों को कुरान से दिखा दो कि कुरान में लिखा है फला जलसा करो, हदीस में आया फला जलसा करो, फिर हम भी ले आएंगे मिलाद के लिए। बात यह है कि असल जो मकसद है मिलाद का उसको समझो, ये ना देखो कि लफ्ज मिलाद का आ गया अब ये कहाँ लिखा है, ये लिखा भी हम दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बात पर गौर करो कि मिलाद का मकसद क्या है, मंशा क्या है। मिलाद का मकसद सिर्फ जिक्र मुस्तफा है। आज हम जिक्र मुस्तफा ही करेंगे, असल किताब तो मेरे बाद दो किताब होंगे। मैं चंद एक गुजारिशात हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बयान करने, आपको सुनकर याद रखने और उसके मुताबिक नज़रिया अपनाने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत का दिन होगा, एक बंदे को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में ले जा रहे होंगे। जब वो जहन्नम में जा रहा होगा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके पीछे जाएंगे, फरमाएंगे फरिश्तों ठहरो, इसको रोको, इसको जहन्नम में क्यों लेके जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह नेकियां कम हैं गुनाह ज्यादा हैं। हुजूर फरमाएंगे मेरे सामने इसके अमाल दोबारा तो लो। उस बंदे को फिर मेजान में लाया जाएगा हुजूर के सामने, जब नेकियां तोली जाने लगेंगी
हुजूर अपनी जेब मुबारक से एक रुका निकालेंगे, एक कागज निकालेंगे, वो कागज उसके नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे, उसकी बरकत से उसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। वो बंदा पूछेगा, या रसूल अल्लाह मेरी तो नेकी कोई ऐसी है ही नहीं थी, ये आज मेरा पलड़ा कैसे भारी हो गया? फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तूने दुनिया के अंदर शौक मोहब्बत से दिल से एक बार मेरी जाते आलिया पर दुरूद पढ़ा था, मैं मोहम्मद ने वो दुरूद आज क़यामत के लिए संभाल कर रखा हुआ, ये उसे एक दुरूद की बरकत है, आज तेरा नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया। एक बार शौक मोहब्बत के साथ रूद पाक पढ़ लीजिए, सलातु वस्सलाम अलैका हकीकत को, आपकी शान को ये बयान करना ये हमारे बस का रोग नहीं है। मेरे आका ने सलातो वस्सलाम तो वो हैं कि अगर आप इरादा करें रुख बदले तो किबला भी बदल जाता है। मस्जिद किबला तैन, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जोहर की दो रकतें पढ़ चुके हैं, बैठे हुए नमाज के अंदर दो रकतें पढ़ ली, हुजूर ने आसमान की तरफ रुखे नवर उठाया, आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया, अल्लाह ने उसी वक्त कुरान नाजिल कर दिया, फरमाया कद नरा पल्लो बाबाजी का फिर समा महबूब, हमने तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता देखा है, फल नो अन्न कंतर दो रुख बदले तो अल्लाह किबला बदल देता है। आज कोई बंदा काबे को पिछाड़ी करके नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी, हुजूर ने अपने किबले से रुख फेरा, अल्लाह ने वही किबला बना दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो वो है कि अगर आप किसी बात पर हाँ कर दें वो फर्ज हो जाती है, अगर किसी बात से मना कर दें वो हराम हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मुतालिक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اے لوگو، اے ایمان والو، جب میرے محمد سے بات کرو تو بات کرتے ہوئے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی۔ फरमाया, मेरे नबी को नाम लेकर भी नहीं पुकारना। फरमाया, अल्लाह तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम लिबाद औ तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर जलालैन के अंदर फरमाते हैं, फिर कैसे पुकारा जाए?
कहते हैं बल कूलू या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, फरमाते हैं पुकारना है तो या नबी अल्लाह कह के पुकारो या रसूल अल्लाह कह के पुकारो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान की क्या बात की जाए, आपने काफिरों की तरफ एक मुट्ठी भरकर फेंकी, कैंकरियां फेंकी। अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ महबूब जो कैंकरियां आपने फेंकी थी वो आपने नहीं वो अल्लाह ने फेंकी थी। जिस महबूब का हाथ उठाना अल्लाह का हाथ उठाना हो, जिस नबी का जाना अल्लाह का जाना हो, जिस नबी के सारे काम अल्लाह फरमाए महबूब तुमने नहीं मैंने किए, उस नबी की अजमतें हम कैसे बयान कर सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गारे हिरा का मौका है, पहली वही जब नाजिल हुई, हुजूर अल्लाह के जलवों के अंदर मुस्तगरक तशरीफ फरमा है, अल्लाह की यादों में गुम बैठे हैं, अल्लाह के जलवों के अंदर खोए हुए हैं। जिब्रील आते हैं, आके कहते हैं इकरा, पढ़ो। हुजूर ने फरमाया माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब आप खुद गौर करें, एक बंदा नमाज पढ़ रहा हो बड़ी तवज्जो से, पास जो भी होता रहे उस बंदे की तवज्जो उसकी तरफ नहीं जाएगी। हुजूर अल्लाह के जलवों के अंदर थे, जिब्रील आए, आकर कहते रहे इकरा महबूब पढ़िए। हुजूर ने तवज्जो नहीं फरमाया, फरमाया माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ने वाला। जिब्रील ने तीन बार कहा इकरा महबूब पढ़िए। हुजूर ने फरमाया माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ने वाला। जब तीन बार ये अर्ज किया तो चौथी बार जनाब अल्लामा मोहम्मद खलील साहब नूरी, उनको माफ़रे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आने पर हुसा मदीद कहते हैं, तमाम अहबाब तशरीफ रखे। सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील के कहने पर नहीं पढ़ा, फरमाया माना बिकारी, ऐ जिब्रील मैं नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीने से चिमटाया और दबाया, उसके बाद फिर जब छोड़ा फिर कहा इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पांच आयतें पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ लोग तो ये कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैफियत मलकूती के साथ शरफ बख्शने के लिए, आशना करने के लिए सीने से लगाया, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है कि जिब्रील ने फैज देने के लिए नहीं फैज लेने के लिए सीने लगाया। इसलिए कि तीन बार तो पढ़ा चुके थे, हुजूर ने फरमाया माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ने वाला। चौथी बार जब सीने से लगा दिया, जिब्रील पर राज खुल गया, जिस रब के जलवों में मोहम्मद गुम है उस रब का नाम आएगा तो पढ़ेंगे। आपने पूरी आयत पढ़ी, अल्लाह का नाम आया, मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आपने पढ़ा इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इसी तरह ये मुकम्मल पांच आयतें आई। यही हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक सवाली बनकर आते हैं, एक साइल बनकर आते हैं, मसला पूछते हैं। कई मसले पूछे, उनमें से एक मसला ये भी पूछा मल एहसान हो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये फरमाइए कि एहसान किस मर्तबे का नाम है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल एहसान हो अन तअबुद अल्लाह का अन्नक तराहु। फरमाया एहसान का मतलब ये है कि तू अल्लाह की इबादत कर इस हाल में कि तू अल्लाह को देख रहा है, तू अल्लाह को देखते हुए उसकी इबादत कर। ये तमाम इबादत गुजारों का रुतबा है,
आबिदीन का ये मकाम है कि अगर वो इबादत करें तो ये सोच कर करें कि अल्लाह को देख रहे हैं। और अब आइए हुजूर का मकाम, कुरान ने क्या बयान फरमाया, फरमाया अल्लज़ी यराका हीन तकूमु व तक़ल्लुबुका फिस्साजिदीन, ऐ महबूब जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप क़याम में हो या सजदे में हो, अल्लाह आपको देख रहा होता है। इबादत के अंदर इबादत गुजारों की नजर खुदा पर होती है, खुदा की नजर मुस्तफा पर होती है, खुदा की नजर मुस्तफा पर होती है। उसके बाद मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई मकामात पर इंसान के ना शुक्रे होने को बयान किया कि इंसान बड़ा ना शुक्रा है, अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता, अपने रब की इबादत सही तरीके से नहीं करता, अपने रब की इबादत का हक अदा नहीं करता। ये इंसान है, ये बाकी लोग हैं जिनसे अल्लाह को शिकवा है, ये इबादत कब करता है। जब बात आई मेरे आका की, फरमाया अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, फरमाया ऐ मुज़म्मिल क़याम किया करो, इबादत किया करो पर थोड़ी कर दिया करो। सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं, मैंने देखा हुजूर रात को इतना क्या फरमाते, बुखारी के अल्फाज हैं, हत्ता तवन्नमत कदमाहु, यहां तक के आपके मुबारक कदम सूज जाते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला, ऐ मुज़म्मिल क़याम करो, इबादत करो पर उसके अंदर कमी करो। कौन है जिससे रब कहे कि इबादत थोड़ी किया कर, बंदा जितनी भी इबादत करे कम है, लेकिन मुस्तफा इबादत इतनी कर चुके, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब इतनी मशक्कत न किया करो। ये है मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। सय्यद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे पूछा कि हुज़ूर के अखलाक कैसे, आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरआन। इसको उसूल फिका की किताब नूरुल अनवार वाले ने भी लिखा, उसूली हदीस को जल्दी नहीं लिखते, बड़ी टो के बाद लिखते। सय्यद आयशा फरमाती है कि हुजूर के खुल्क कुरान है, एक है लफ्ज़ खल्क, खा लाम काफ, खा की जबर के साथ, खल्क का मतलब होता है जिस्म की जाहरी बनावट और खुल्क का मतलब होता है बातनी कमालात। हजरत आयशा ने फरमाया कि हुजूर के बातनी कमालात कुरान है, हुजूर की आदतें कुरान है। इसका एक मतलब तो ये है कि जैसे जैसे कुरान में हुक्म आया हुजूर की सीरत वैसे ही बनती गई। और दूसरा मतलब ये है कि कुरान बाद में उतरा, पहले मुस्तफा ने करके दिखा दिया। जब पहली वही नाज़िल हुई हुजूर घर तशरीफ लाए, हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह परेशान न हो, इन्नका लतसिलुर रहमा, ये कुरान उतरने से पहले की बातें हजरत सय्यदा खदीजा बता रही हैं, या रसूल अल्लाह इन्नका लतसिलुर रहमा व तुक्रिर दैफा व तुईनु अला नवाइबिल हक्की, या रसूल अल्लाह आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं, आपका रब आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, या रसूल अल्लाह आप अपने रिश्तेदारों से बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, वदुईनु अला नवाइबिल हक्की, या रसूल अल्लाह जो बंदा सच्चा होता है अगरचे कमजोर हो आप उसका साथ देते हैं। तो इसी तरह ये सात और साफ, एक रिवाज के मुताबिक नौ साफ, अम्मा जान आयशा हजरत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान फरमाए और किताबों में ये लिखे गए। मुझे बताओ जब कुरान नहीं उतरा था सिला रहमी का हुक्म कैसे पता चला, कुरान नहीं उतरा था यतीमों के साथ उसने सलूक का दर्द किसने दिया कैसे पता चला, तो कुरान बाद में उतरा, मुस्तफा के औसाफ पहले थे। तो काना खुलुकुहु वल कुरान, पहले हुजूर के औसाफ दुनिया में आए फिर कुरान उतरा। यह है सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फरमान मुबारक का मतलब।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربی ارنی انظر الیک, ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ اپنی زیارت کروا دے, اپنا دیدار کروا دے, اپنا ذات دکھا دے. اللہ نے کیا فرمایا, لن ترانی, اے موسیٰ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, یہ حصہ کسی اور کا ہے. سورہ فرقان اٹھائیے, جب معبود کی باری آئی اللہ نے فرمایا الم ترا الا ربک, اے محبوب آپ نے تو رب کو دیکھ ہی لیا ہے, یہ ہے میرے آقا مولا کا مقام. اللہ خود فرماتا ہے الم ترا الا ربک, محبوب کے رب کو دیکھا نہیں, کیا مطلب دیکھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وحی لینے کے لیے جب مطالبہ کرے, کتاب کا مطالبہ کرے, اللہ سے دعا کرے یا اللہ کتاب دے دے, وحی دے دے, تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمائے کوہ طور پر چلے جاؤ اور 40 راتوں کا چلہ کاٹو. 40 راتوں کے چلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملے, لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کی ذات پر کہ باقی نبی تو وحی لینے کے لیے وحی کی جگہ پر جاتے تھے, مصطفیٰ جہاں پر ہوتے تھے وحی پیچھے آ جاتی تھی. قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں. حضور مکے میں تھے, قرآن مکے میں نازل ہو گیا, حضور مدینے تشریف لے گئے, قرآن مدینے کے اندر نازل ہو گیا, حضور جہاں جاتے گئے قرآن وہیں پر آتا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا, فرمایا ایو الخلق اعجب ایمانا, فرمایا صحابہ بتاؤ مخلوق میں سے کس کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ہے, کس کا ایمان سب سے اچھا ہے, کس کا ایمان سب سے پسندیدہ ہے. قالوا الملائکہ, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہے. حضور نے فرمایا نہیں, اس لیے کہ فرشتے تو وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں, فرشتے تو وہ ہیں جو عرش الہی کے پائے پکڑے ہوئے ہیں, فرشتے تو وہ ہیں جو روح نکالتے ہیں, فرشتے تو وہ ہیں جو عذاب کرتے ہیں, فرشتے تو وہ ہیں جن کی ڈیوٹیاں جنت میں لگی ہوئی ہیں, فرشتے تو وہ ہیں جن کی ڈیوٹیاں جہنم میں لگی ہوئی ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا, ان کا ایمان اتنا تعجب خیز نہیں. ساپا اور کوئی بات ہے, مخلوق اور کوئی ہے جس کا ایمان سب سے تعجب خیز ہے, بتاؤ وہ کون سی ہے. قالوا الانبیاء, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر فرشتے نہیں پھر اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبیوں جیسا ایمان نہیں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا, اس پر ہی رشک کیا جا سکتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, فرمایا اللہ کے نبی تو وہ ہیں, آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے صفی ہیں, آدم صفی اللہ ہیں, موسیٰ کلیم اللہ ہیں, عیسیٰ روح اللہ ہیں, ابراہیم خلیل اللہ ہیں. ارے نبی تو وہ ہیں جن سے اللہ نے باتیں کی ہیں, وہی نازل کی ہے. اگر نبی ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لے کے آئے گا, بتاؤ وہ مخلوق اور کوئی ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا نحنو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہیں تو پھر آپ کے صحابیوں کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہے. حضور نے فرمایا اللہ, صحابہ نہیں, اس وجہ سے کہ آج محمد کی ذات تم میں موجود ہے, آج تم نے سورج کو واپس آتے دیکھا تب ایمان لے آئے, آج تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, تم نے پتھروں میں سے پانی نکلتا دیکھا, تم نے میری انگلیوں میں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے. آئے صحابہ میں اشارہ کرتا گیا, کام ہوتے گئے, میرے ہاتھوں بیماروں کو شفا ملتی دیکھی, تمہارا ایمان بھی قابل رشک نہیں ہے, اس لیے کہ تم بھی تو دیکھ کر ایمان لے آئے ہو, تمہارے اوپر تو ہر شے روشن ہو چکی ہے. پھر انہوں نے کہا, اب جواب سنیے اور قربان ہو جائیے اس جواب پر, صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. قالوا
अल्लाहु व रसूलहु आलम। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है? अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा तो सुनो, बेशक सबसे ज्यादा काबिले रश्क ईमान उन लोगों का होगा, الذين ياتون من بعدي वो लोग मेरे बाद आएंगे, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा, यवत्तु अहदहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, उनका अकीदा ऐसा होगा वो ये तमन्ना करेंगे ऐ अल्लाह हमारा घर भी ले ले, माल भी ले ले, सिर्फ एक झलक मुस्तफा के चेहरे की दिखा दे, सिर्फ एक झलक मुस्तफा की दिखा दे। फरमाया सहाबा उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मुझ पर कुर्बान ऐसे होंगे, कुर्बान ऐसे होंगे। फाजिले बरेलवी बोले ना, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ऐसी बात करे तो सुन्नी कर सकता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जवान है। हुजूर अगर करोड़ों जवान होते अहमद रजा बरेलवी क्या अपनी जान भी कुर्बान कर देता, करोड़ों जहान आपके नाम मुबारक पर कुर्बान कर देता। यह है सुन्नियों का अकीदा, यह है इश्क मुस्तफा। इश्क मुस्तफा की बात करें तो सिर्फ सुन्नी के लिए, बात ज़हन में रखो, हमें कोई परेशानी नहीं है इश्क मुस्तफा की बात करने में। हमारा कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो कि नबी को तो दीवार के पीछे का नहीं पता। हमारे जो भी गुजरे हैं वो यही कहते रहे, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, कोई फूल खार से दूर है, कोई शम्मा है कि दुआ है। हुजूर के हुस्न का कमाल ऐसा है, हर हुस्न के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, लेकिन मुस्तफा के हुस्न के अंदर खामी का तसव्वुर भी नहीं, नक्श का गुमान भी नहीं हो सकता। नक्श होना तो दूर की बात है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे हातिम ताई का पोता बात करने लगा, अदी बिन हातिम, कहने लगा ऐ हुसैन मेरा दादा बड़ा सखी था। और मैं कितना सखी था? कहने लगा उसने माल के 10 दरवाजे बना रखे थे, मांगने वाला एक दरवाजे से आता, हातिम ताई उसको दे देता, मांगने वाला दूसरे दरवाजे से आता दे देता, तीसरे दरवाजे से आता दे देता, फकीर एक एक करके 10 दरवाजों से आता जाता, हातिम ताई देता जाता। तो आपने फरमाया ये तो कोई कमाल नहीं है। फरमाया मेरा नाना वो है, मेरा मुस्तफा वो है, जब फकीर पहली बार आता है इतना दे देते हैं दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، جنگ ہوئی لڑائی ہوئی قیدی بن کر آئے، اصول یہ تھا کہ جو قیدی ہوتا وہ غلام اور نوکر بن کر رہتا تھا، لیکن اگر وہ پیسے دے دے تو اپنے آپ کو آزاد کروا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا کیا ارادہ ہے؟ آخری بات ہے توجہ سے سننا، فرمایا چچا کیا ارادہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے کہ جس کو دے کر میں اپنے آپ کو چھڑا سکوں۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے جس کو میں دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکوں۔ اب قربان جائیے حضور کے جواب پر، آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا ایسا نہ کہو،
याद करो पिछली रात जब मेरी चची से तुमने कहा था ये सोना छुपा लो किसी को बताना नहीं, ये सोना छुपा लो किसी को बताना नहीं, हजरत अब्बास ने कलमा पढ़ा मुसलमान हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ चचा इतनी जल्दी मान गए? अर्ज की या रसूल अल्लाह दो बातों की वजह से मैं आपका उम्मती बन गया हूं, दो बातें आपके अंदर देखी हैं जिसकी वजह से मैं मुसलमान हो गया हूं। पर मैं कौन कौन सी? अर्ज की या रसूल अल्लाह एक तो यही बात कि मैंने अपनी बीवी के अलावा सोने का किसी को बताया तक नहीं, आपको पता चल गया इसका मतलब अल्लाह ने आपको इल्मे गैब दिया है। और दूसरी बात, जब आप छोटे थे पंगूड़े के अंदर थे, आप पंगूड़े के अंदर थे तो बच्चे की आदत होती है बच्चा रोता है, मैंने देखा जब आप रोने लगते तो रोने की बजाय मुस्कुराना शुरू कर देते, मैं हैरान हुआ और मैंने देखा कि आपकी उंगली मुबारक हिल रही है। फिर मेरी नजर आसमान पर पड़ी तो मैंने देखा कि जिस तरफ उंगली जाती है चांद भी उसी तरफ चला जाता है, तो मैं समझ गया ये चांद मुस्तफा को लोरियां दे रहा है। हुजूर ने फरमाया चचा बस यही बात, क्या तुम्हें मैं इससे आगे की बात ना बताऊं? आज की जी या रसूल अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा सच, जब मैं अपनी माँ बीबी आमना के पेट में था तो चांद अर्श इलाही के नीचे जब सजदा करता था मैं उसकी आवाज भी सुन लिया करता था, मैं उसकी आवाज भी सुन लिया करता था। अरे जो नबी माँ के पेट में है चांद के सजदे की आवाज सुन रहा है 649 चक वालों का दूर कैसे नहीं सुनेगा? हम अगर या रसूल अल्लाह पुकारेंगे तो कैसे नहीं सुनेंगे? उनके नामे पाक पर दिल जानो माल नज दिया सब तज दिया, फिर तुझको क्या उठते बैठते क्या गरज के वास्ते या रसूल अल्लाह का, फिर तुझको क्या? आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी की बात पर खत्म करता हूं, आप फरमाते हैं कि आज ले उनकी पना, और छोड़ दो सारे मसले, सोचो मैं ये हूं मैं वो हूं, अरे अजमत मुस्तफा की तरफ आ जाओ, आओ आज एक बात पर इत्तेहाद कर लेते हैं, हुजूर की अजमत पर इत्तेहाद कर लेते हैं। फरमाया आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, इस मुंह से कहते सुन नहीं सकते वो तो माँ के पेट में भी सुनते थे, और तेरी नहीं चांद की आवाज सुन लिया करते थे जो तेरे साइंसदान भी नहीं सुन सकते। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद कुरान दे खोल बिठे आका तेरी शान गया नहीं हो बिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे दिन रात जो पासे मैं शोर बिठा अल्लाह वाले गाली मुका चली तुसा हो बिठा आसा हो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर की अजमतें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थे जनाब शेख अली सिवत तफसीर उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद जाहिद महमूद अल बदरी साहब, जिन्होंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान बयान की।